शिलाजीत आखिरकार होता क्या है? क्या वाकई में शिलाजीत हमारे लिए एक चमत्कार से कम नहीं है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन और आप सभी का स्वागत है न्यूट्रिशन डॉक्टर में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार आयुर्वेद में बताए गए शिलाजीत का उपयोग हमारे शरीर के ऊपर कैसे लाभकारी होता है तथा इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो कम्प्लीटली साइंटिफिक बैकग्राउंड के ऊपर होगी। तो दोस्तों, मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक आप सभी ज़रूर देखेंगे। यदि आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको मोस्ट ऑथेंटिक न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन। तो चलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं शिलाजीत आखिरकार होता क्या है। शिलाजीत एक गाढ़ा पदार्थ है जो मुख्य रूप से हिमालय के पर्वतों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधे की कई सदियों तक हुए डिकम्पोजिशन प्रक्रिया से बनता है। शिलाजीत का उपयोग मुख्य रूप से आयुर्वेदिक उपचार में किया जाता है। इसका उपयोग बहुत ही असरदार तथा सुरक्षित माना जाता है। ये हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में काफ़ी असरदार होता है। अब हम एक एक करके शिलाजीत के सारे फायदे के बारे में जानते हैं कि हमारे शरीर के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो शिलाजीत का सबसे पहला फायदा ये है कि ये हमें अल्जाइमर बीमारी से बचाता है। अल्जाइमर एक दिमागी बीमारी होती है जिसमें मुख्य रूप से इंसान की याददाश्त, सोचने समझने की क्षमता तथा व्यवहार पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। हालांकि अल्जाइमर के इलाज के लिए बहुत सी अंग्रेजी दवाइयाँ मौजूद हैं, परंतु बहुत से रिसर्चर्स ये बताते हैं कि शिलाजीत के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ मौजूद होते हैं जो कि अल्जाइमर बीमारी से बचने में तथा उसके प्रोग्रेशन को काफ़ी हद तक धीमा करने में बहुत असरदार होता है। शिलाजीत में बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे अधिक मात्रा फुलविक एसिड की होती है। फुलविक एसिड बहुत ही असरदार एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे शरीर में ताऊ प्रोटीन का संचय होने से बचाता है। ताऊ प्रोटीन हमारे नर्वस सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, लेकिन इसका अधिक मात्रा में बनना हमारे ब्रेन सेल्स को क्षति पहुंचाने लग जाता है। रिसर्चर्स का मानना है कि शिलाजीत में मौजूद फुलविक एसिड ताऊ प्रोटीन के एबनॉर्मल ग्रोथ को रोकता है और इन्फ्लामेशन को भी कम करता है, जो अल्जाइमर बीमारी से बचाव करने में मददगार होता है। हालांकि इस पर अभी और अधिक रिसर्च तथा स्टडी होने की आवश्यकता है ताकि हमारे सामने इसके सारे तथ्य अच्छे से साबित हो सकें। शिलाजीत का दूसरा फायदा ये है कि ये लो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन मुख्य मेल सेक्स हार्मोन होता है। कुछ लोगों में दूसरों के मुकाबले इसकी कमी देखने को मिलती है। लो टेस्टोस्टेरोन होने की कुछ निशानियां इस प्रकार है। सबसे पहला है हेयर लॉस यानी बालों का झड़ना, दूसरा है थकान होना, तीसरा बॉडी फैट का बढ़ना, चौथा मसल लॉस होना, पांचवा कम सेक्स ड्राइव होना। एक क्लिनिकल स्टडी के दौरान कुछ 45 से 55 वर्ष के आदमियों को 90 दिनों तक रोजाना 250 मिलीग्राम प्यूरिफाइड शिलाजीत दिया गया और नतीजों में देखा गया कि शुद्ध शिलाजीत लेने के बाद उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी हद तक बढ़ गया। तो इससे हमें ये साबित होता है कि ये हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में काफ़ी असरदार होता है। लेकिन आप सभी को एक और बात समझनी होगी कि यदि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी नॉर्मल है तो आपको इसके ऊपर कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपका बहुत ही कम है तब आपको इसका असर देखने को मिल सकता है। शिलाजीत का अगला असरदार प्रभाव ये है कि ये हमारे शरीर में क्रोनिक फटीग सिंड्रोम से बचाव करता है। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है। इस बीमारी के दौरान घर, स्कूल या दफ्तर के छोटे मोटे काम भी थकान की वजह से बहुत ज़्यादा भारी लगने लगते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि शिलाजीत लेने से हमारे शरीर को भरपूर एनर्जी मिलती है तथा थकान जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम का मुख्य कारण होता है माइटोकॉन्ड्रिया का ठीक से ना काम करना। इस परिस्थिति में हमारे सेल्स पर्याप्त एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। 2012 में चूहों के ऊपर इसी को लेकर 21 दिनों तक एक स्टडी करी गई और उनके शरीर में क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की परिस्थितियां पैदा करी गई और इसके उपरांत उन्हें शिलाजीत का सेवन कराया गया। नतीजों में देखा गया कि शिलाजीत के सेवन के बाद उनके अंदर क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या काफ़ी हद तक सुधर गई। इस तथ्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिलाजीत हमारे माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन को ठीक करके हमारे एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। शिलाजीत हमें एजिंग से बचाता है। शिलाजीत के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में फुलविक एसिड पाया जाता है जो कि बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट तथा एंटी इन्फ्लामेटरी माना जाता है। ये हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स द्वारा हो रहे नुकसान से हमें बचाने में बहुत अधिक मदद करता है। नतीजतन शिलाजीत के लंबे प्रयोग से आपको एजिंग से बचाव मिलता है तथा आपको एक अच्छी सेहत देखने को मिलती है। शिलाजीत अनीमिया में मददगार होता है।
जब हमारे खून में आयरन की कमी देखने को मिलती है तो उस परिस्थिति को अनीमिया कहा जाता है। अनीमिया का मुख्य कारण आपके खून में आयरन की कमी, खून का अधिक मात्रा में बहाव या फिर आयरन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता में कमी होना है, जिसकी वजह से आपको थकान, कमजोरी, ठंडे हाथ पैर, सर दर्द या असामान्य दिल का धड़कना जैसी समस्या देखने को मिलती है। वही शिलाजीत हमारे शरीर में आयरन की मात्रा को बढ़ाता है। एक स्टडी में 18 चूहों को 3 ग्रुप्स में विभाजित किया गया। प्रत्येक ग्रुप में 6 चूहों को रखा गया। रिसर्चर्स ने दूसरे तथा तीसरे ग्रुप के चूहों को एनीमिया जैसी स्थिति पैदा करी। तीसरे ग्रुप के चूहों को 11 दिन बाद 500 mg शिलाजीत दिया गया और 21वें दिन सभी ग्रुप के चूहों का खून सैंपल लिया गया। नतीजों में देखा गया कि दूसरे ग्रुप के चूहों की तुलना में तीसरे ग्रुप के चूहों में हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट और RBC की मात्रा काफ़ी हद तक बढ़ गई। इस नतीजे के आधार पर कहा जा सकता है कि शिलाजीत अनीमिया जैसी परिस्थिति से बचाव करने में काफ़ी असरदार होता है। शिलाजीत मेल इनफर्टिलिटी के लिए काफ़ी असरदार तथा सुरक्षित माना जाता है। 90 दिनों तक चली एक स्टडी में कुछ इनफर्टाइल आदमियों को लगातार दिन में 2 बार खाना खाने के बाद शिलाजीत का सेवन करवाया गया। नतीजों में 90 दिनों के बाद 60% से भी अधिक लोगों के टोटल स्पर्म काउंट में बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं 12% से अधिक लोगों में स्पर्म मोटिलिटी में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। स्पर्म मोटिलिटी का मतलब होता है स्पर्म की अच्छे से मूवमेंट करना। नतीजों में ये बात जाहिर हो जाती है कि शिलाजीत इनफर्टिलिटी जैसी समस्या में काफ़ी असरदार होता है। शिलाजीत हार्ट की हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। शिलाजीत हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अधिक लाभकारी होता है। चूहों के ऊपर करी गई एक स्टडी से ये पता चलता है कि शिलाजीत हमारे हृदय के स्वास्थ्य को बहुत ही अधिक मजबूत तथा बेहतरीन बनाकर रखता है। अब हम बात करते हैं शिलाजीत के उपयोग के दुष्प्रभाव यानी कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। वैसे तो शिलाजीत पूरी तरह से असरदार तथा सुरक्षित होता है, परंतु हमें कच्चे या अशुद्ध शिलाजीत का उपयोग नहीं करना चाहिए। अशुद्ध शिलाजीत के अंदर बहुत से हानिकारक तत्व जैसे फ्री रेडिकल्स तथा फंगस पाए जाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। शिलाजीत खरीदने से पहले आप ये चीज़ ज़रूर निश्चित कर लें कि वो पूरी तरह से शुद्ध हो। यदि आप सभी ऑनलाइन प्योर शिलाजीत को खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप सभी वहां से भी परचेज कर सकते हैं। यदि आपको सिकल सेल एनीमिया या फिर आपके खून में आयरन की बहुत अधिक मात्रा होती है तो आपको ऐसी स्थिति में भी शिलाजीत का उपयोग बिल्कुल नहीं करना। शिलाजीत लेने से पहले आप सभी किसी आयुर्वेदिक वैद्य का परामर्श अवश्य लें। अब हम बात करते हैं शिलाजीत का उपयोग कैसे करें। शिलाजीत अधिकतर लिक्विड तथा कैप्सूल फॉर्म में उपलब्ध होती है। इसके उपयोग से पहले आप किसी वैद्य के द्वारा बताए गए आदेश अनुसार ही इसका सेवन करें। यदि आप शिलाजीत के लिक्विड फॉर्म का उपयोग करते हैं तो आप इसकी एक बूंद पानी में डालकर दिन में 1 से 3 बार ले सकते हैं, या फिर आप इसके कैप्सूल दिन में 2 बार दूध के साथ ले सकते हैं। बहुत से रिसर्च में शिलाजीत की सुरक्षित रिकमेंडेड डोज 300 से 500 mg प्रतिदिन बताई गई है। इसके सेवन से पहले आप अपने चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो। तो तब तक आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।